हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल पॉइंट में। और आज दोस्तों मैं ट्रिक के साथ लेके आया हूं हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी भाषा का संवैधानिक विकास, यानी संविधान में हिंदी और राष्ट्रभाषा से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, मेरी गारंटी है जो मैं आज ट्रिक आपको दे के जाऊंगा जीवन भर कभी भूलेंगे नहीं और परीक्षा में आपको 100% नंबर दिलाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों कभी भी हिंदी के एग्जाम में आपसे पूछ दे कि भाषा संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में है, जब भाग में पूछे तो भाग 17 में है, ठीक। और पूछ दे किस अनुसूची में है तो 8वीं अनुसूची में है, ठीक। और पूछ दे भाषा संबंधी प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है तो 343 से 351 तक है, ठीक है। एक चीज और जानिए कि आपसे कभी कभी प्रश्न पूछ दे कि 26 जनवरी 1950 यानी जब संविधान लागू हुआ था तो कितनी भाषाएं थी संविधान के अनुसूची 8 में, ठीक है। तो उस समय 14 भाषाएं थी, कितनी 14 भाषाएं थी, अब कितनी हो गई हैं 22 हो गई हैं। वर्तमान में पूछे तो 22 भाषाएं हैं, और अगर 1950 में पूछे कि संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख था, 14 था। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे हुआ। देखो संविधान के 8वीं अनुसूची में पहले 14 भाषाएं थी, ठीक है, फिर बाद में एक जोड़ी गई, फिर 3 जोड़ी गई, फिर 4 जोड़ी गई। तो अब देखो 14, 15, 15, 3, 18 और 18, 4, 22 भाषाएं हमारे 8वीं अनुसूची में हैं। अब ये कब कब जोड़ी गई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कितनी भाषाओं को कब जोड़ा गया। देखो जो पहला संविधान संशोधन किया गया था भाषा संबंधी 21वां था, और यह किया गया था 1967 ईस्वी में, और कितनी भाषाओं को जोड़ा गया था, एक भाषा को जोड़ा गया था जिसे कहते हैं सिंधी भाषा, सिंध प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा, यानी पंजाब और आपके पाकिस्तान एरिया में बोली जाने वाली भाषा जो सिंधी जो है, यह क्या थी, एक भाषा जोड़ी गई थी। कब, 1967 ईस्वी में 21वां संविधान संशोधन। फिर जो है 71वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था 1992 ईस्वी में, और कितनी भाषाओं को जोड़ा गया था, 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। और इसका मैं ट्रिक दे दे रहा हूं आपको, नमक, इसको याद करने का ट्रिक दे दे रहा हूं, 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। अब देखो 9 से और म से और क से क्या होगा, 9 से हो जाएगा नेपाली भाषा को, म से मणिपुरी भाषा को, क से कोंकणी भाषा को, ठीक। तो ये तो आप जानते हैं कि नेपाली नेपाल देश में बोली जाती है, मणिपुरी मणिपुर में बोली जाती है, कोंकणी कभी कभी पूछ देता है कोंकणी भाषा कहां बोली जाती है, तो ये गोवा में बोली जाती है, इसको याद कर लेंगे, ठीक। फिर अगला संविधान संशोधन कब हुआ, 71वां के बाद 52वां संविधान संशोधन हुआ, ठीक है, कब, 2003 में, कब, 2003 में, कितनी भाषाओं को जोड़ा गया। अब देखो यहां एक हो गया, 3 आपका नमक से याद कर लीजिए, ठीक है, और 52वां याद करने के लिए इसी को जोड़ दीजिए, 21 और 71 92 हो जाएगा। देखो 1, 1, 2 और 2 और 7, 9, समझ में आ गया, ऐसे भी आप जोड़ सकते हैं, 21 और 71 92, तो 52वां संविधान संशोधन। तो इसको याद करने का मैं ट्रिक दे दे रहा हूं, बोडो, बोडो मास, क्या, बोडो मास, कहेंगे सर ये क्या है, चलो बोडो मास को हम यहां ले आके लिखते हैं, वहां जगह नहीं है। देखो वो डो मास, अब देखो बोडो, बोडो ऐसे, बोडो एक भाषा हो गई, ठीक, इसको 8वीं अनुसूची में दिया गया, डोंगरी एक भाषा हो गई, ठीक है, फिर मैथिली एक भाषा हो गई, ठीक, और एक भाषा आपकी हो गई संथाली। अब ये कहां कहां बोली जाती है ये चीज भी याद रख लीजिए, बोडो जो बोली जाती है ये असम में बोली जाती है,
ठीक है। और डोंगरी कहाँ बोली जाती है? जम्मू एंड कश्मीर में बोली जाती है। मैथिली कहाँ बोली जाती है? बिहार में बोली जाती है। मिथिला नरेश की पुत्री बोला जाता था ना, मैथिली वहां एक भाषा बोली जाती है। सांथाली कहाँ बोली जाती है? झारखंड में बोली जाती है। समझ में आ गई बात? समझ में आया ये चीज? समझ में आ गया? चलिए वेरी गुड, अगर आ गया तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो ये संविधान संशोधन भाषाओं से संबंधित चीजें समझ में आ गई। चलिए अब देखते हैं कि 343 से 351 अनुच्छेद में देखते हैं क्या क्या है। तो 343 देखेंगे, 344 देखेंगे और 300 क्या देखेंगे, 45 देखेंगे। ये तीन सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, देखो जो 343 है ये कहता है कि संघ की भाषा से संबंधित प्रावधान है, यानी देश की भाषा जो होगी क्या होगी, हिंदी होगी, और लिपि क्या होगी, देवनागरी लिपि होगी। तो अगर आपसे पूछ दे कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की भाषा की लिपि देवनागरी है, तो संविधान के अनुच्छेद 343 में। अगर भाषा पूछ दे कि किस अनुच्छेद में यह वर्णन किया गया है कि भारत का राष्ट्रभाषा हिंदी होगा, तो अनुच्छेद 343 में। ठीक, 344 क्या कहेगा, 344 राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान है, ठीक है। और वो गठन क्या होता है, गठन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और पहली बार हुआ था 7 जून 1955 ईस्वी को बीजी खेर की अध्यक्षता में, यानी प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, बीजी खेर थे, इनकी अध्यक्षता में गठन किया गया था 7 जून 1955 ईस्वी को। तो अगर पूछ दे राजभाषा आयोग के गठन का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है, कौन राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, बीजी खेर थे, कब किया गया था, 7 जून 1955 ईस्वी को। ठीक, अगला 345 कहता है राज्यों की राजभाषा का उल्लेख है, यानी भारत के सभी राज्यों की एक राजकीय भाषा होगी उसका उल्लेख है। तो यूपी में 1989 में उर्दू जो है दूसरी राजकीय भाषा है, और हिंदी तो हमारी पहली उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है। समझ में आ गई बात? तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, बहुत कम समय का वीडियो है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताया हूं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए। अगर आप नए देखने वाले हैं तो गुरुकुल पॉइंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पे आपको सिर्फ फैक्ट चीजें पढ़ाया जा रहा है, इधर उधर की बातें नहीं पढ़ाया जा रहा है, एग्जाम में फंसने वाला चीज क्वेश्चन ही टच किया जा रहा है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।